स्टूडेंट्स, आज से हम आपके लिए जीके की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका यह पार्ट वन है। इस पार्ट में आपके लिए कुछ सिलेक्टेड प्रश्न रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होगा? मतलब अगर किसी वेव की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो उसका वेवलेंथ पर क्या असर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह घट जाता है। तरंग की अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है? घटती है। इसका उल्टा संबंध होता है, फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगी, और अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है तो फ्रिक्वेंसी घट जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, मतलब कौन सा एक मकबरा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार। चार मीनार जो है यह किसी व्यक्ति का मकबरा या स्मारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। सम्राट अशोक जो है यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे और बिंदुसार के पुत्र भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो एक एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से या किस राज्य से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है या किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, जो ऑप्शन नंबर डी में है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोस्कोप का आविष्कार या आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली, जो ऑप्शन ए है हमारा राइट हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली को थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डेकालीटर में कितना होता है? तो एक डेकालीटर में जो होता है वो 10 लीटर होता है। कितना होता है? 10 लीटर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भार उठाना, या जिसको हम बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। कर्णम मल्लेश्वरी जो है यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। रोलेट एक्ट जो है यह 1919 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूना 10। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह जो है वह लूना 10 है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए या और कनाडा। जो पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है इसमें दो टीम खेली थी, एक यूएसए की और एक कनाडा की। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है चोलिस्तान। पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान का हिस्सा है उसको चोलिस्तान कहा जाता है। हमारा बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निकोसिया जो है वो साइप्रस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धमनियां या आर्टरीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रक्त का वहन करती हैं, जो कि भरी होती हैं। हमारा आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त से। जो धमनियां होती हैं उनमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और जो सिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो यहाँ धमनियों की बात पूछी गई तो इसलिए धमनियों में कौन सा रक्त होगा? शुद्ध रक्त। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी का आकार जो है चपटा गोलाकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि अरुणा आसिफ अली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो ध्वज फहराया था वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही फहराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय नृत्यांगना। जो मृणालिनी साराभाई थी वह एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 में। वास्को डिगामा जो है वह भारत की खोज भी किया था और भारत आया था 1498 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है यह श्रीलंका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कार्यालय जो है एक पर्वतीय गुफा है जो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी दिए थे। हमारी आँखों में लेंस का काम है, मतलब जो हमारी आंखें हैं उसके अंदर जो नेचुरल लेंस है उसका क्या काम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंख की फोकस दूरी को बदलना। जो लेंस है वह आंख की फोकस दूरी को घटाता और बढ़ाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया जो है यह सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व क्षय रोग या टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च। ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को टीवी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नृत्य से। उदय शंकर जो है यह नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है यह सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थान अब पाकिस्तान में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82° 30' पूर्वी देशांतर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे या महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है और यही मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब हमारी जीके की सीरीज़ शुरू हो गई है, तो अब अगली सीरीज़ हम कल लेके आएंगे, इसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।